राग बसंत जिस तरह के नाम तो ही स्पष्ट हुंदा है, ये एक रुतकालीन राग है। बसंत रुत विच इसका गायन किसी भी समय किया जाता है। पवित्र अंग 1186 अते 87 उपर ये चार शब्द सोभायमान हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच। अते वैसे बसंत राग जो कि गुरमत संगीत का 25वां राग है, उस विच बाणी अंग 1168 तो आरंभ हो जाती है। आओ इस राग दे नादात्मक स्वरूप बारे जानिए। राग बसंत विच सारे सुर शुद्ध प्रयोग हुंदे हन। आरोह विच ऋषभ अते पंचम नूं वर्जित किया जाता है। इस राग दा थाट बिलावल, जाति ऑडव संपूर्ण, वादी सुर गुरमत संगीत दे विद्वान तार षडज अते संवादी मध्यम नूं मानदे हन। हालांकि कुछ होर विद्वान मध्यमवादी अते षडज संवादी भी मानदे हन। इत्थे एक गल दसनी बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत विच जिहड़ा बसंत राग गाया जाता है वह पूर्वी मेल जां पूर्वी थाट दे अधीन गाया जाता है, जिस विच रेधा कोमल अते दोवें मध्यम का प्रयोग किया जाता है। परंतु गुरमत संगीत पद्धति विच बसंत राग का जो स्वरूप सर्व प्रमाणिक है अते जिस विच बहुत सारे कीर्तनीए कीर्तन करते हैं, पुरातन कीर्तनीए भी नवीन भी, वह असी आप सब नाल सांझा कर रहे हाँ जी। हालांकि पूर्वी थाट का बसंत भी गुरमत संगीत विच श्री दरबार साहब की कीर्तन परंपरा विच सानू मिलता है, परंतु संत बाबा सुच्चा सिंह जी द्वारा बनाई गई राग निर्णायक कमेटी जो कि जवद्दी टकसाल विखे 1991 विच गठित की गई सी, उस राग निर्णायक कमेटी ने गुरमत संगीत दे बसंत दे इसे स्वरूप नूं प्रवान किया है जो दास आप सब नाल सांझा कर रहा है। पकड़ जा मुख सुर समूह इस प्रकार है जी। गा मा धा नी सा नी धा प मा गा बहुत सारे कीर्तनीए आरोह विच वक्र रूप विच पंचम का प्रयोग भी कर लेंदे हन, जो कि बड़ा सुंदर प्रतीत हुंदा है। सा गा मा धा प मा मा प गा गा मा धा नी धा प मा सा गा मा धा नी धा प मा प गा मा धा मा धा नी धा नी सा। इस प्रकार अवरोह विच गा रे सा ते कई बार गामा रे सा भी ले लिया जाता है। सा नी धा प मा गा मा धा नी धा प मा गा मा रे सा धा नी सा मा गा सा गा मा नी धा नी सा गा नी सा नी धा नी सा नी धा प धा मा प
गे जिस तरह पहला बेनती की कि बसंत रुत विच इस राग नू किसे भी समय गाया जा सकता है अते अदरवाइज इसका समा दिन का दूसरा पहर मनिया जाता है जी। आओ सारे मिलके श्री गुरु तेग बहादुर जी द्वारा उच्चारित शब्दों का निर्धारित रागों विच कीर्तन सरवण करिए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।